नमस्कार दोस्तों, मैं वाजिद आपके सामने एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल मार्शल टेक पे। आवरा का डावरा पारस छावड़ा के बाद पारस छावड़ा ने जैसे बोल दिया, भाई सना से मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना सिद्धार्थ जी से, एक तरीके से उन्होंने समझ लो सॉरी बोल दी। इसी तरह से अब दूसरी भी आ रही है, कौन मायरा नहीं, अब आने वाली है दूसरी, कौन वो भी नहीं जो आप सोच रहे हो, दूसरी आने वाली है कौन, रश्मि देसाई। रश्मि देसाई सिद्रा 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 हैशटैग उनके काफ़ी चाहने वाले, उनके फ्रेंड चला रहे हैं हैशटैग सिद्रा। भाई इसको चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब सिद्धार्थ जी और रश्मि देसाई के बीच में कुछ भी नहीं है। काफ़ी टाइम पहले उनका एक सीरियल चला था, मेरे ख्याल से क्या नाम था, मैं नाम भी भूल गया, दिल से दिल तक ऐसे ही कुछ था वो, और उसकी मूवमेंट भी दिखाई गई थी बिग बॉस के अंदर कि किस तरीके से शहनाज़ गिल जी कैमरा ले रही होती है और शूट कर रही होती है, काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई गई थी। लेकिन उसके बाद भी इन दोनों के बीच में लड़ाई और झगड़े पैदा होते रहे और बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद भी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, रश्मि देसाई के फ्रेंड से हैशटैग सिद्रा रहने दीजिए, अब कुछ भी नहीं है बेकार में। उन्हें माफ़ी मांगनी थी सिद्धार्थ जी से, तो बिग बॉस के अंदर ही मांगनी थी, बाहर निकलने के बाद देखिए किस तरीके से इनका करियर नीचे डूबता हुआ नज़र आ रहा है। अब पारस जी ने जैसे बोला था कि शहनाज़ जी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, इसी तरीके से ये भी फ्रेंड्स इनके सिद्धार्थ जी को बोलना चाहते हैं, एक तरीके से हैशटैग लगा के सॉरी बोल रही हैं वो, और आप उनके साथ काम कर लीजिए। तो भाई अब उस चीज़ को भूल जाइए, अब रश्मि देसाई के साथ हमारे सिद्धार्थ जी बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मार्शल टेक को।